नमस्कार दोस्तों, onlythefitness.com में आपका स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, सांस की समस्याएं आदि। इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी पोषक तत्वों के साथ साथ शरीर को गर्म रखने की भी जरूरत होती है। दोस्तों, हम मानते हैं कि ऊनी कपड़े पहनने से शरीर गर्म बना रहता है, लेकिन इन गर्म कपड़ों के बावजूद ज़रूरी यह है कि शरीर में केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी गर्मी भी होनी चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसे आजमाकर आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका खान पान ही आपको अंदर से गर्म रखता है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन वाकई ये सच है। जी हाँ, खाने पीने की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करके आप अपने शरीर को अंदरूनी रूप से गर्म रख सकते हैं और साथ ही ठंड में होने वाली बीमारियाँ और सर्दी जुकाम से भी बचे रहते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं उन चीज़ों के बारे में जो शरीर को तो गर्म रखते ही हैं और साथ ही सभी ज़रूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर है। सबसे पहला है पिंड खजूर। मिनरल्स और विटामिन के गुणों से भरपूर पिंड खजूर शरीर को स्वस्थ और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। रोज एक खजूर का सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार, सांस के रोगों और कब्ज जैसी अनेक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरा है अंजीर। जी हाँ दोस्तों, अंजीर की तासीर गर्म होती है और रोजाना एक सूखी अंजीर खाने से आप सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे और साथ ही आयरन से भरपूर अंजीर का सेवन शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है। तीसरा है चिक्की। सर्दियों में मूंगफली और गुड़ की चिक्की खाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन आयरन और फॉस्फोरस के गुण वाली यह चिक्की शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखती है। सर्दी में इसे खाने से शरीर में कैलोरी की कमी भी पूरी हो जाती है। चौथा है सब्जियों का सूप। सर्दियों में हरी सब्जियों से बना गर्मा गर्म सूप शरीर को गर्माहट देने के साथ ही मन को भी आनंद देता है। आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज और गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ठंड से लड़ने के लिए गर्माहट पहुंचाने के साथ साथ शरीर को बहुत ऊर्जा भी देगा। पांचवा है ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे। दोस्तों, सर्दियों में काजू, अखरोट, किशमिश और बादाम का सेवन शरीर को गर्म रखने के साथ साथ बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा आप बादाम का दूध या बादाम के हलवे का सेवन भी कर सकते हैं। छठा है अदरक। अदरक कई औषधीय गुणों से भरपूर है, जिससे यह सर्दी खांसी, पाचन, बुखार, एसिडिटी आदि को ठीक कर सकता है। इसीलिए ठंड में रोजाना चाय में अदरक डालकर पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। सातवां है तिल। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है और खांसी में जल्द ही आराम मिलता है। साथ ही तिल में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि। और आठवां है लहसुन। लहसुन का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखता है। सर्दियों के दौरान आपको बुखार के कारण खांसी हो सकती है। चूंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए यह बैक्टीरिया और वायरस के कारण फैलने वाले रोगों से बचने में मदद करता है। और अगर सर्दी के मौसम में आपके गले में खराश है तो 2-3 लहसुन की कलियां चबाने से तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का सेवन ठंड में करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और साथ ही आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ भी रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।